अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन में बन रहे हैं आज बहुत सारे केक्स, क्योंकि दो ऑर्डर हैं, एक सैटरडे को है और एक संडे को है। एक था वेनीला स्पंज और ये था 3 पाउंड में, और दूसरा भी चॉकलेट में है और ये भी 3 पाउंड में ही है, लेकिन मैंने इसको 5 इंच के मोल्ड में बेक किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा हाइट चाहिए था। ये एक बेबी गर्ल का था और जो मैंने 7x7 इंच में बेक किया है वो वेनीला वाला है, और ये भी मुझे 3 पाउंड में बनाना है, लेकिन मैंने ज़्यादा हाइट नहीं बनाया था इसको क्योंकि ये एक बर्थडे केक था। ये भी एक बर्थडे केक था, लेकिन ये था एक ओल्ड मैन का, तो इसलिए फिर मैंने इसको ज़्यादा हाइट नहीं दी। और अगर आपको भी कुछ मालूम करना है, केक के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं क्लियर कर दिया करूँ आपको, और या वेट चेक कर लें। ये जस्ट स्पंज का केक वेट है, अभी इसमें क्रीम जानी है, 100 के लिए दूध जाना है, तो इसका जो वेट है वो फिर चला जाएगा 3 पाउंड्स पर, ठीक है। और फिर ये मैंने चॉकलेट्स का भी देख लिया था, चॉकलेट स्पंज जो होते हैं वो ज़्यादा वेट में ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो हमारे वेनीला वाले स्पंज होते हैं ये ज़रा लाइट होते हैं, ठीक है। और इस तरह हम इसको कटिंग करके रख देंगे सेट करके, और इस जब हमने इसको जिस दिन ऑर्डर देना होता है उस दिन फिर हम एक दिन पहले रात को इसकी जो होती है क्रम कोट करके रख देते हैं, और नेक्स्ट डे फिर हम इसको फाइनल टच देते हैं। इससे क्या होता है, जो क्रम कोट होता है नीचे वाला वो अच्छे से सेट हो जाता है, और ऊपर वाली जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो हमें ऑर्डर मिले वो 1-2 दिन पहले ही मिले, ताकि हम स्पंज रेडी करके रख दें और उसका फाइनल टच दे के एक रात उसको हम फ्रिज में रख दें। और कभी भी आपने जो स्पंज है वो फ्रीज़र में नहीं रखना क्रम कोट करके, और फाइनल करके भी आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने फ्रिज में रखना है, क्योंकि जब कस्टमर के पास डिलीवर होगा तो रास्ते में अगर जो अगर आपने फ्रीज़ कर दिया है, फ्रीज़र में रख दिया है, थोड़ा ठंडा हो गया है, इस पर क्रिस्टल आ गए हैं आइस, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और केक सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने इसको फ्रिज में रखना है हाई टेम्परेचर पर, और जो भी फ्लेवर इस तरह होता है कस्टमर का, तो ये कस्टमर ने मुझे वनीला का ही कहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने कैरमल ऐड कर दिया था तो अच्छा फ्लेवर देने के लिए। और ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर को, तो आप जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे तो आपका कस्टमर उतना पक्का हो जाएगा। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी दूँ अपने कस्टमर को, चाहे आपकी बचत इतनी ना हो, लेकिन आपका जो काम है वो एक दफ़ा चल जाना चाहिए। जब आप क्वालिटी अच्छी देंगे तो आपके कस्टमर आपसे दोबारा ज़रूर ऑर्डर करेगा। और यहाँ मैंने क्रम कोट करके रात को तकरीबन 1 बजे मैंने ये फ्रिज में रखा है, क्योंकि दरमियान में मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं वेट कम ना हो जाए, तो मुझे फिर एक एक्स्ट्रा केक बेक करके रखना पड़ा, और गैस भी नहीं थी, फिर मैंने उसको क्या कहते हैं पतीले में बेक किया सिलेंडर पर, और लेकिन वो यूज़ तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये था कि अगर कम हो जाता है तो मैं चलो ऐड कर लूँगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक बना के रख लिया था और उसको ठंडा भी कर लिया था अच्छे से। वो आप देख रहे होंगे केक के पीछे पड़ा ही हुआ है एक्स्ट्रा स्पंज, तो वो मैंने बेक करके रख लिया था कि मुझे टेंशन हो रही थी कि वेट में ये कम ना हो। मैं अपना जो उन्होंने मांगा है कस्टमर ने 3 पाउंड केक, तो मैं उनको पूरा 3 पाउंड ही केक दूँ, एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम ना हो। और बस रात के 1 बजे भी मैंने जो बर्तन गंदे हुए थे वो मैंने सारे धो दिए साथ ही, ताकि सुबह मैस ना हो किचन में बिल्कुल भी। और बस फिर रात को मुझे नींद ही नहीं आई टेंशन में, हालांकि इतना कोई टफ केक नहीं था, बस टेंशन होती है जब तक केक डिलीवर ना हो जाए। और सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि स्कूल था बच्चों का, और मेरी मीटिंग भी थी स्कूल में, तो मैं 6 बजे उठ गई थी, बच्चों का स्कूल भी गई, वापस आके फिर बस मैंने ये काम किया केक का और इसको फाइनल किया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में क्रीम को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बर्फ़ मैंने पास रखी हुई थी, बहुत मेल्ट हो रही थी बर्फ़ भी, और बस जल्दी जल्दी काम करना होता है गर्मियों में। और ये है कि जितनी आपने क्रीम बीट कर ली है आप कम ही बीट करें, और जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बीट कर लें, और क्योंकि फिर दोबारा जो बची हुई क्रीम है वो सेट करनी मुश्किल हो जाती है। और अगर आपकी क्रीम बच गई है तो आप कभी भी उसको फ्रीज़र में ना रखें, किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर उसको आप फ्रिज में रखें, फ्रिज में आप 4 से 5 दिन में वो यूज़ कर लें, और एक दफ़ा उसको बीट कर लीजिएगा दोबारा और यूज़ करने से पहले, तो क्या है वो फ्लफ़ी हो जाएगी। और बाकी आपको सारी रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, वनीला की, स्पंज की और चॉकलेट स्पंज की। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूँगी। इस तरह हमने एक्स्ट्रा क्रीम सारी इसकी निकाल लेनी है, मैंने अच्छे से लेयर लगा ली थी एक भर के क्रीम की, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। और बस हम स्पैचुला से इस तरह इसकी क्रीम निकालते जाएंगे एक्स्ट्रा, इस तरह केक जो है वो बहुत हैवी हो जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता एक्स्ट्रा क्रीम चली जाए। तो जितनी आपसे हो सके आपने एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर से निकाल देनी है, और फिर इसकी जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो हम करेंगे।
ये कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, इन्होंने सब मेरे पे छोड़ दिया था, डिज़ाइनिंग कलर्स कुछ भी इन्होंने नहीं बताया था, जस्ट इतना बताया था कि आपने ऊपर ये लिख देना है हैप्पी गोल्डन बर्थडे, तो बस बाकी डिज़ाइनिंग मेरे ऊपर थी। अक्सर जब कस्टमर नहीं बताता तभी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती कस्टमर को पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, और अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि कस्टमर हमें बता दे कि वो क्या चाहता है ताकि हम उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है वो बना लें और हम भी रिलैक्स रहें थोड़ा सा। तो अक्सर मुश्किल भी हो जाता है जब कस्टमर ज़्यादा तंग करते हैं कि नहीं हमें ये डिज़ाइन चाहिए, इस तरह चाहिए, और ये कस्टमर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अक्सर हम डिज़ाइन देख लेते हैं नेट पे या कुछ बनाते हुए देख लेते हैं ना, तो हम रेसिपी सेव नहीं करते और बस कहते हैं कि नहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ईजी सी है हम बना लेंगे, और ऐसे होता है कि जब हम बनाने खड़े होते हैं तो रेसिपी दिमाग से निकल जाती है, और अगर हम बनाते भी हैं तो सही नहीं बनती। वो ऐसा होता है कि वो एक मेथड होता है हर रेसिपी का, उसको बनाने का तरीका होता है कि किस तरह एक चीज़ को ऐड किया जाना है, कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, मीठा हो, नमकीन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले जो रेसिपी है वो आप अच्छे से नोट करें। जस्ट इंग्रेडिएंट्स नोट नहीं करने हैं आपने, उसके बनाने का तरीका भी नोट करना है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं पहले क्या करती थी, मैं नोट नहीं करती थी चीज़ों को, जस्ट मैंने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेती थी, और जब मैं बनाने खड़ी होती थी तो मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं भूल जाती थी कि पहले क्या ऐड करना है और बाद में क्या ऐड करना है। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि एक डायरी ली और जो भी रेसिपी मुझे पसंद आती थी मैं उस पर नोट कर लेती थी और फिर इसको बनाती थी। और केक्स में भी इस तरह ही है, अगर आप स्पंज रेडी ट्राई करते हैं तो ये नहीं कि आपको एक ही स्पंज से रिज़ल्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्पंज में क्या कमी है और कहाँ से कोई चीज़ सेट नहीं हो रही, तो आप उसको दोबारा ट्राई कीजिएगा। मैंने भी बहुत स्पंज ज़ाया किए हैं, बनाए हैं, कुछ अच्छे बने कुछ नहीं अच्छे बने, तो जो आपकी परफेक्ट रेसिपी आपके हाथों से बनेगी वो आपकी परफेक्ट रेसिपी होगी। तो आपने इस तरह बहुत सी रेसिपी ट्राई करनी है, हो सकता है कि जो रेसिपी मेरे लिए काम कर रही है या वो आपके लिए काम ना कर रही हो, तो इस तरह आपने डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करनी है और जो आपकी परफेक्ट रेसिपी होगी फिर आप उसको वो फाइनल कर लीजिएगा और हमेशा फिर उसी रेसिपी से बनाइएगा, क्योंकि फिर दोबारा आप कोई और रेसिपी ट्राई करेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। जो आपकी एक रेसिपी बन जाएगी आपके हाथों की वही परफेक्ट होगी। और यहाँ पे हमारा केक भी रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऊपर जो है हैप्पी गोल्डन बर्थडे, ये मैंने प्रिंट करवाया था कलर प्रिंट, और इसको सेंटर में रख लिया था और बाकी डिज़ाइनिंग ऊपर कर दी थी और पर्ल लगा दिए थे गोल्डन कलर के, और इसको मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं भरा, तो इस तरह ये बहुत डिसेंट लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और पहले मैं सोच रही थी कि ऊपर टॉपर होना चाहिए, लेकिन टॉपर मेरे पास नहीं था, तो बस मैंने इतना ही इसको किया फाइनल। और फोंडेंट से भी मैंने लिख रखा हुआ था गोल्डन, क्योंकि मुझे था कि अगर वो शॉप ओपन नहीं होती प्रिंट वाली तो मैं फिर फोंडेंट से ही लिख दूँगी। तो हमेशा अपने पास आप ऑप्शन रखें सेकेंड ऑप्शन के, अगर ये काम नहीं हो सकता तो आप ये काम कर लें, क्योंकि आपने काम तो करना है और उसको फाइनल भी करना है। तो मुझे यही था कि अगर प्रिंट नहीं निकलता तो मैं ऊपर फोंडेंट से लिख दूंगी, और मैंने वो कटिंग करके भी रखा हुआ था सुबह से ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए फोंडेंट, और फिर जाते हुए जब केक मैं भेजूंगी तो ऊपर वो ऐड कर दूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया था स्टिकर बनकर, और ये मेरे स्टिकर भी बनकर आ गए थे सिट सीक्रेट्स वाले, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे ये स्टिकर्स, और एंड वीडियो के एंड में भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी इसका क्लोज कि ये कैसे हैं, इस पर क्या डिटेल लिखी हुई है, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपने ऑर्डर करना है खाने वाल कबीर वाला से। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।